पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से सांसद इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी है। राशिद ने 18 से 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने वाले आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। 18 सितंबर को कश्मीर में पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले जमानत मिली है। राशिद के भाई चुनाव लड़ रहे हैं। इंजीनियर राशिद बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। उनके भाई खुर्शीद अहमद अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उत्तरी कश्मीर की लंगेट सीट से जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के खिलाफ लोकसभा चुनाव जीतने से पहले राशिद इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। राशिद 2017 में NIA द्वारा 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनका नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर बटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे ANI ने कश्मीर में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से धन मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में एक ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस साल की शुरुआत में बारामूला लोकसभा क्षेत्र से राशिद ने पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को हराया था। उन्होंने 2008 और 2014 के जम्मू कश्मीर चुनावों में लंगेट विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना किया। राशिद अवामी इत्तेहाद पार्टी का नेतृत्व करते हैं, लेकिन उन्होंने ये चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ा था। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक दिन पहले ही सांसद शेख अब्दुल राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी पर भाजपा के प्रतिनिधि होने का भी आरोप लगाया। उनकी ये टिप्पणी शोपिया से PDP उम्मीदवार यावर शफी बांडे के बालपोरा इलाके में AIP के कार्यकर्ताओं को कथित हमले में घायल होने के एक दिन बाद आई। PDP प्रमुख ने सवाल किया कि जब AIP के प्रमुख राशिद सलाखों के पीछे हैं, तो वह संसाधनों और उम्मीदवारों का प्रबंध कैसे कर रहे हैं। PDP संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद को पार्टी बनाने में 5 साल लग गए। हमारे पास अभी भी हर साल उम्मीदवार उतारने के लिए संसाधन नहीं है। इंजीनियर राशिद के संगठन के पीछे कौन है, क्योंकि उनके उम्मीदवार हर जगह खड़े हैं। फंडिंग कहां से आ रही है, उन्हें गुंडागर्दी करने की इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है।